the camera on? Why are you recording, bro? Shut it down. तो भाई मैं अभी अभी शावर लेके आया हूँ एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग. आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो चला गया था, मैं क्यों आ गया, बट नहीं, आई एम बैक बिच. और आज का डे बहुत एक्साइटिंग है, तभी मैं व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपने नए कॉलेज जो कि मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है. टुडे इज़ द फर्स्ट डे एंड आई एम गोना टेक यू विथ मी. लेट्स गो, लेट्स गेट ऑसम और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस मिलता है, कैसा है सब कुछ एंड लेट्स मेक न्यू फ्रेंड्स देयर. मेरे कुछ हैं पुराने फ्रेंड्स उधर भी, लेकिन चलो आज चलते हैं और इंजॉय करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. लेट्स गो. अब कर लेते हैं मुद्दे की बात कि अब तक मैं कहाँ था, तो उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, आई होप मिल जाए, क्योंकि आई वॉज वर्किंग फॉर एडिंग अ लिटिल मोर डिटेल्स इन माई ब्लॉग. बेसिकली मैं काम कर रहा था कि यार अच्छी क्वालिटी की वीडियोज और ब्लॉग लाऊं, ठीक है. आई नो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं और इस बार क्योंकि कम बैक है तो जोरदार तो होने वाला है, तो लेट्स गो. और आई होप कि आप इस क्वालिटी को और इस कंटेंट को इंजॉय करें फिर से. और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद तैयार होके, और चलो लेट्स गो. सो आई एम एब्सोल्युटली रेडी टू लीव राइट नाउ, और कुछ बातें हैं जो कि हम जाते हुए करेंगे, तो लेट्स गो और करते हैं डिसाइड के व्हाट इज़ आवर इम्प्रेशन फॉर द कॉलेज. लेट्स गो. तो भाई जो हमारा डिसीजन था कि हमारा किस तरीके का एक्सपीरियंस रहने वाला था, उसको डिसाइड करने वाले तीन फैक्टर्स थे. एक कि सोशल लाइफ कैसी है. द फर्स्ट डेट द कॉलेज वॉज नथिंग लाइक द नेटफ्लिक्स शो जो कि मैंने सिर्फ देखे कपल्स और सिंगल लॉन्डो को खेलते हुए. तो मैंने बोला सिंगल लॉन्डो को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वैसे भी मुझे क्लास में तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लोग मुझसे सिलेबस में बहुत ज़्यादा आगे थे. तो मैंने सोचा यार अब तो वीडियो इधर ही ख़त्म हो जानी थी, लेकिन क्यों ना हम इसको और ज़्यादा टाइम दें एंड लेट्स एक्सप्लोर मोर. तो मैं अगले दिन गया फिर से. आफ्टर द सोशल लाइफ द सेकेंड फैक्टर विच विल डिसाइड द इम्प्रेशन ऑफ द कॉलेज इज़ द कैंपस लाइफ. लेकिन ये कोई डिज्नी मूवी तो है नहीं अगेन कि एक दिन बाद ही सब कुछ बदल जाए. लेकिन हाँ, आई प्लेड बास्केटबॉल विथ माई फ्रेंड्स जो कि मैंने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन आई गेस दैट वॉज नॉट इनफ फॉर द कम्प्लीट एक्सपीरियंस. तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेने को सोचा ब्लॉगिंग से, क्योंकि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर इट, मतलब बिल्कुल पर्सनली, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए करना चाहता था ये. और मुझे आहिस्ता आहिस्ता उसमें मज़ा आने लगा और दोस्त भी बनने लगे, और आई स्टार्ट टू इंगेज विद द थिंग्स इन द कॉलेज और कल्चर को अडेप्ट करने लगा. ये देख रहे हैं आप मैच चल रहा है मोहम्मद का और इस पागल का. अमाद भाई आपके पैसे किस में? यार चुप करो ना. अल्लाह पैसे किस में? पार्टी बदल लिया साला. मेरे पैसे मोहम्मद पे. लो जॉयस्टिक, उसकी जॉयस्टिक रुक रही है, मगर खैर रो रही है. बहरी हो ना तुम? क्या बात है, क्या बात है मोहम्मद, क्या बात है. रो रही है, रो रही है. हमाद भाई आपकी क्या कहना है? पैसे चेंज है, पैसे चेंज. इधर आ, इधर आ. आप फिर तुम मार दोगे ये बोल रहे. तेरे पैसे किस पे हैं इन दोनों में से? पबजी चल रहा है. अबे थोड़ा पीछे हो, बहुत जूम इन हो रहा है. ये मेरा भाई. ये स्कोर क्या चल रहा है? 4-3. ओए 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 ओए. रो ले. पूरी वीडियो बना रहा हूँ, पूरी वीडियो. देखो मैं तो कुछ बोल नहीं रहा. 5-3. क्या बात है, 6-3. अल्लाह मेरी जॉयस्टिक नहीं चल रही. मजाक से हट जाएगा मेरे पास. जा जा जा. हमार ऐसा है कुछ? नहीं कोई बात नहीं. हार गई. रो नहीं. अच्छा मैं रुकाओ रुकाओ लेट कर रहा हूँ आज. बताओ मत, सच बताओ. राइट डब्बे पैसे चेंज यार. एक सेकंड अभी, बहुत 2 मिनट रुक जा. चल गई 2 मिनट. बहुत इंटेंस मैच चल रहा है, भी नहीं उठ सकते. नहीं तू कोई फ्री का तुमने भी लिया था.
क्या बात है 83। मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये हार रही है, ये हार रही है, और ये मेरा भाई जीत रहा है। भाई राफे भाई, आपके आपके पैसे किस पे हैं इन दोनों में से? मोहम्मद भाई, मोहम्मद पे। बाजी ओए मोहित, तेरे पैसे किस पे हैं? मोहम्मद पे ना। इन शॉर्ट इज वी डोंट ट्रस्ट। 8484। आंटी एक मिनट, आंटी 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 एक मिनट, आंटी आंटी पाँच मिनट, क्या था ऊपर जाके उतार दो। आंटी आंटी पाँच मिनट, पाँच मिनट। वी किक्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन कोई भी बात नहीं भाई, क्योंकि हमने इसको फिर भी हरा दिया, और इसका तो गुस्सा इतना तेज है इसने मेरा मोबाइल छीन लिया। रिलैक्स बॉयज, क्योंकि ये है बीच टाइम और अब वाइब होने वाली है। That was a crazy day, और finally after going for about a month, मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए और काफ़ी अच्छा time गुजारा। तो I hope कि आपको भी इस journey में मज़ा आया हो, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। शुरू में मतलब थोड़ा सा सो सा था, लेकिन बाद में मज़ा आने लगा। तो और अब तो कॉलेज के बहुत फन व्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत फन वीडियोज़ आने वाली, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं फ्राइडे को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करना यार, प्लीज़ ज़रूर करना। तो बाय बाय एंड टेक केयर।